तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले माई एनिमलिस्ट ने अपनी न्यू लिस्ट निकाली मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ ऑल टाइम की। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से एनिमे टॉप 10 में है जो कि मोस्ट पॉपुलर एनिमे है इन द वर्ल्ड और किस एनिमे की वजह से डेथ नोट को अपनी नंबर वन पोजीशन से हाथ धोना पड़ा, तो इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो फिर वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 10वें नंबर में जिस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है उस एनिमे का नाम है योर नेम। जी हाँ, ये एक एनिमे मूवी है जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी है। मुकुतो शिनकाई की ये एक मास्टरपीस मूवी है क्योंकि हर एक एनिमे लवर ने ये मूवी एक ना एक बार तो ज़रूर ही देखी होगी। इस मूवी की बात ही कुछ ऐसी है, ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और अपने रिलीज़ होते ही इसने माई एनिमलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हासिल की है और इसके ओवरऑल टोटल वोट्स अभी हैं 22,09,772 वोट्स, जिसकी वजह से ये मूवी ने अपनी 10वें नंबर पे जगह बना ली है माई एनिमे की लिस्ट में। तो यार अब बात करते हैं 9वें नंबर की। तो यार 9वें नंबर पे जो एनिमे है वो मेरा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट एनिमे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हंटर एक्स हंटर के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से शायद थोड़ा ऊपर होना चाहिए था पर शायद उसे उतने वोट नहीं मिले। पर हाँ, अब वो 9वें नंबर पे है और उसने वोट हासिल किया 22,45,318, जिस वजह से हंटर एक्स हंटर को जगह मिली है 9वें नंबर की। तो अब बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पे वो एनिमे है जो कि हमारा चाइल्डहुड एनिमे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की। तो यार नारुतो ने 8वें नंबर पे पोजीशन बनाई है माय एनिमे की लिस्ट में और नारुतो को वोट मिले हैं 23,74,129 यूजर्स वोट। तो अगर आप बात करें 7वें नंबर की, तो 7वें नंबर में उस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है जो कि 2014 में रिलीज़ हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो गुल की और टोक्यो गुल ने अपनी 7वें नंबर पे पोजीशन को कायम रखा है और टोक्यो गुल के यूज़र्स हैं 23,92,383। और अब आए 6वें नंबर पे, तो 6वें नंबर पे उस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है जिसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया की और माय हीरो एकेडमिया को वोट मिले हैं 24,74,736 वोट, जिस वजह से माय एकेडमिया पहुँच चुका है नंबर 6 की पोजीशन में। तो यार अब दिल थाम के बैठ लो क्योंकि अब बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एनिमे के बारे में। तो यार अगर नंबर 5 की बात करें, तो नंबर 5 में जिस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन की, जो कि सायतामा की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और वन पंच मैन ने अपनी 5वें नंबर पर जगह तो बनाई है जिसके साथ इसे वोट मिले हैं 26,30,981 वोट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और इसने काफ़ी सारे एनिमल्स को पीछे छोड़ा है। अब जैसे कि डीमन स्लेयर हो, ड्रैगन बॉल हो और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े एनिमल्स को इसने पीछे छोड़ा है, जो कि काबिले तारीफ़ है मेरे ख्याल से। तो यार 4थे नंबर पर उस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था। अपने रिलीज़ होते ही इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल मिल चुकी है, जिस वजह से ही इसने अपनी पोजीशन को 4थे नंबर पे पहुंचा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्ड आर्ट ऑनलाइन की, जिसे कि माई एनिमे लिस्ट में 26,59,053 वोट्स मिले हैं, जिस वजह से ये पहुंच गया है 4थे नंबर की पोजीशन में। तो यार अब बात करें 3रे नंबर की, तो 3रे नंबर में उस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना तो एनिमे नहीं है बट ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की, जो कि माई एनिमे की लिस्ट में 3रे नंबर पे पहुँच चुका है। जी हाँ, और इसके साथ इसे वोट मिले हैं 27,63,753 वोट, जिस वजह से फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड पहुँच चुका है नंबर 3 इनकी पोजीशन में। तो यार अब नंबर 2 की बात करें, तो नंबर 2 पे वो एनिमे है जो कि काफ़ी सालों से नंबर 1 पे था, हर एनिमे की पहली पसंद डेथ नोट। जी हाँ, डेथ नोट अब एक नंबर से दूसरे नंबर में पहुंच चुका है। काफ़ी सारा तो किसने अपनी एक नंबर की पोजीशन पे राज किया पर अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है। तो चलो यार अब वोटिंग्स की बात करते हैं, तो डेथ नोट को वोट मिले हैं 32,62,104 वोट, जिस वजह से डेथ नोट अब दूसरे नंबर में पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं पहले नंबर पे किस एनिमे ने अपनी जगह बनाई है। काफ़ी लोगों को अनुमान लग चुका होगा कि कौन सा एनिमे पहले नंबर पे है,
तो हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटंस की, जिसने अपनी पहले नंबर पे पोजीशन बना ली है। डेथ नोट को पीछे करके अब ये बन चुका है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एनिमे। तो यार ये तो बनता ही था, क्योंकि इसके 4 सीजन इतने खतरनाक आ चुके हैं, जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी हर सीजन की वजह से बढ़ती ही जा रही है। और जब ये 4th सीजन का Part 2 आया, जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से इसे वोट्स भी ज़्यादा मिले और जिस वजह से डेथ नोट पीछे भी हुआ। तो यार अब वोटिंग की बात कर ले तो डेथ नोट को वोट मिले हैं 32,64,436 वोट, जिस वजह से डेथ नोट बन चुका है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एनिमे। और इसकी वजह से ही इसे IMDb में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिली है। तो यार काफ़ी सारे एनिमे ऐसे भी होंगे जो कि आपके फेवरेट होंगे पर इस लिस्ट में नहीं होंगे। तो यार आप क्या कर सकते हैं, ये कोई मेरी लिस्ट तो है नहीं, ये लिस्ट बनाई है माई एनिमे लिस्ट ने और इसमें वोटिंग्स हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि माई एनिमे लिस्ट ने अपनी पसंद के एनिमेज को ऊपर रखा है। माई एनिमे की लिस्ट में जो भी जाके वोट्स करते हैं अपने एनिमे को, वो काउंट होते हैं और उसी पे देखा जाता है कि कौन सा एनिमे मोस्ट पॉपुलर एनिमे है। तो यार फिर आज की वीडियो तो यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताइए, हम इसका Part 2 भी ज़रूर निकालेंगे, जिसमें हम बताएंगे 20 से लेके 11 मोस्ट पॉपुलर एनिमे जो कि टॉप 20 में आएंगे। तो फिर यार वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर डालो, और नहीं करना है तो मैं क्या करूँ। चलिए फिर चलते हैं, सायोनारा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।